सलाम एंड वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज मी योर होस्ट मायरा भट्टी और हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया बहुत ही स्पेशल शो रिलेटेड टू उसकी स्पेशलिटीज क्या होंगी दैट यू विल गेट टू नो लेटर ऑन. द नेम ऑफ द शो इज आर्टिस्ट ऑफ द मंथ. हमारा पैटर्न कुछ दोस्तों इस तरह से चलेगा, इस शो को मजीद आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम सिर्फ एक एपिसोड में अपने गेस्ट को नहीं बुलाएंगे, उनके साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे हम, बल्कि लेके जाएंगे ये किस्सा जैसे कि नाम एक वाजिया तौर पर बताता है आर्टिस्ट ऑफ द मंथ. हमारी चार एपिसोड्स कॉन्स्टेंटली एक हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो तो एक लिविंग लेजेंड है भी, पर आने वाले आगे गेस्ट भी आप देखेंगे और किस तरह के हमारे लेवल पे जाते हैं. और इंशाल्लाह एक प्रोग्राम का जो थीम है टू नो अबाउट द आर्टिस्ट एंड टू नो इंटरनली अबाउट देम, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी स्ट्रगलिंग, उन्होंने अपना करियर कहाँ से स्टार्ट किया, व्हाट डू दे लाइक टू टॉक अबाउट एंड व्हाट दे डोंट. We'll talk about this in this very show which is called The Artist of the Month. Hamare aaj ke guest none other than a living legend Ataullah Khan Isa Khelvi. MashaAllah sir, assalamu alaikum, welcome to the show. Sabse pehle assalam sir, aapka naam set pe aate saath hi sabse pehle to koi lala ke naam se aapse mukhatib ho rahe kuch log aur bade naam se aapke bare mein jaise jaise padhte jao logo ka ek naam kam padta hai aur mashaAllah aapke saath pyar se itne diye hue naam hai, iske piche ki zara history batai jaye. Ye mohabbat hai mere sunne walon ka, lekin hua yun ki lala hamari zuban mein बड़े भाई को कहते हैं, तो अब तो मुझे छोटे भी लाला कहते हैं, बड़े भी लाला कहते हैं, बल्कि मुझसे बहुत बड़े जो हैं वो भी मुझे लाला ही कहते हैं. अताउल्लाह खान खेवी एक लोगों के लिए एक लिविंग लेजेंड, आपको खिताब मिल चुके हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से सारे, ये कैसी फीलिंग देते, डू यू थिंक कि आपकी एक अचीवमेंट अप टू द मार्क रही है आपके टैलेंट के हिसाब से? मुझे तो बहुत मोहब्बतें मिली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भरपूर जिंदगी गुजारी है अपने चाहने वालों के साथ और उनकी जो मोहब्बत मुझे मिली है, मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी का हासिल और मेरी कोई पहलू तिश्नगी नहीं बाकी रही, कोई नहीं रही, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह. सर अब जैसे पहलू से ऐसा नहीं लगता कि मुझे उसका रिवार्ड ना मिला हो. अक्सर लोग ये गिला करते हैं कि अभी इस इदारे से, इस आदमी से, इस तंजीम से वो चीज़ नहीं मिल सकी जिसका मैं हकदार हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कोई ऐसा वाक्य नहीं है. मुझे पाकिस्तान टेलीविज़न ने और दूसरे सारे चैनल्स ने बेपनाह मोहब्बत दी, बेपनाह इज्जत दी, और उसके साथ साथ सबसे बड़ा अवार्ड तो मेरे सुनने वाले जी बिल्कुल, जिनकी तादाद मैं शुमार नहीं कर सकता. अल्लाह जल्ले शानहू की करम नवाजी कि आज भी मैं काफ़ी दिलों की धड़कन हूँ, काफ़ी लोग मुझे मोहब्बत और प्यार से उसी तरह सुनते हैं जिस तरह आज से 30-35 साल पहले सुना करते थे. दोस्तों ये सफर अताउल्लाह खान साहब के साथ आर्टिस्ट ऑफ द मंथ में जारी रहेगा हमारा. जैसे जैसे हम आगे सवालों की तरफ पहुंच रहे हैं, इनके गाने का टाइम भी आ गया हुआ है. पहले हम इनसे पूछेंगे कि गाना कौन सा गाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि जैसे कि कहा जाता है कि खान साहब का मिजाज बड़ा आशिकाना उनके गानों के हवाले से है, तो हम उस तरफ भी थोड़ा चलेंगे, कुछ देखते हैं ऐसे पहलुओं के कुछ खुलते हैं आज या नहीं जो खान साहब के बारे में हमारे व्यूअर्स ने पहले अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ना देखे. राइट नाउ खान साहब, पहला गाना जो आप अब एक आर्टिस्ट ऑफ द मंथ, पहला गाना है एस एम सादिक साहब का लिखा हुआ, रोग जिन्हों लगाए अवल्ला बड़ा रोया है. आपकी नजर करता हूँ उसके बाद रोग जिन्हू लगाए अवला बड़ा रोया है, रोग जिन्हू लगाए अवला बड़ा रोया है. दिल मेरा कमला ते, दिल मेरा कमला ते छला बड़ा रोया है, रोग जिन्हू लगाए अवला बड़ा रोया है, रोग जिन्हू लगाए अवला बड़ा रोया है. निशानियां की तेनू
अवला बड़ा रोया है, रोग जिनू लगाए अवला बड़ा रोया है। यार मेरा झूठा दे निकला बड़ा रोया है, रोग जिनू लगाए अवला बड़ा रोया है, रोग जिनू लगाए अवला बड़ा रोया है। पत्थरां दा जनिया टोर के जनाजा मेरा उसनू की बनिया, जिनू सारे कहंदे सन पत्थरां दा जनिया टोर के जनाजा मेरा उसनू की बनिया। अवला बड़ा रोया है, रोग जिनू लगाए अवला बड़ा रोया है। अवला बड़ा रोया है, दिल मेरा कमला ते, दिल मेरा कमला ते छला बड़ा रोया है, रोग जिनू लगाए अवला बड़ा रोया है, रोग जिनू लगाए।